छतरपुर से परिणाम जो है वो काफी रोचक है। ललिता यादव को जनता ने पास कर दिया है, बीजेपी की ललिता यादव जो है वो जीत गई हैं, और जो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया वो चुनाव हार गए हैं। छतरपुर की जनता ने इस बार चीजों को पलट दिया, पिछली बार ललिता यादव को हराया था तो इस बार आलोक चतुर्वेदी को हरा दिया है। ललिता यादव शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी रही हैं और उनका कामकाज भी ठीक था, बेहद मिलनसार हैं, आम घर से आने वाली महिला हैं और उन्होंने अपने जीवन में बेहद संघर्ष किया है। बीड़ी बनाने से लेके मंत्री पद तक पहुंचने में उन्होंने किसी भी काम में कभी कोई कोताही नहीं बरती, और यही वजह है कि ललिता यादव को जब जनता ने एक बार नकार दिया था उसके बीच बाद भी वो लगातार जनता के बीच में जाती रही, और इस बार जब उन्हें छतरपुर से टिकट मिला तो उन्होंने जनता का दिल जीत लिया और जनता का दिल जीतने के साथ चुनाव भी जीत लिया। हालांकि आलोक चतुर्वेदी भी कम लोकप्रिय व्यक्ति छतरपुर में नहीं है, उनका अपना दबदबा है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रचंड वेग था बीजेपी का, जो अंडर करंट चल रहा था जिसको लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, उसका ये परिणाम है कि ललिता यादव एक बार फिर जीत के मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी है और हो सकता है हम उन्हें एक मंत्री के रूप में कार्य करते देखें। बिल्कुल, भाजपा की लहर में कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है, आलोक चतुर्वेदी को भी हार का मुंह देखना पड़ा है, और ललिता यादव के ऊपर जनता ने भरोसा जताया है, वो निश्चित तौर पर डटी रही, लड़ते रही और आज उन्होंने जीत का स्वाद भी चख लिया है। बिल्कुल, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है ललिता यादव और उस वर्ग से आती है जहां महिलाओं को बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं होती, वहां वो अपने दमखम से राजनीति कर रही है, खुद आगे बढ़ रही है, अपने साथ तमाम महिलाओं को भी वह आगे लाने की कोशिश करती हैं और जनता ने उनको 77,687 मत देकर विजयी बनाया है। वहीं आलोक चतुर्वेदी साहब जो हैं उनको 70,720 वोटों से संतोष करके हार का सामना करना पड़ा है। बुंदेलखंड की राजनीति कहते हैं वैसे भी बड़े विचित्र है, बुंदेलखंडी व्यक्ति के मन में कब क्या आ जाए, वो क्या कर दे, ये समस्या परे है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि उन्होंने पज्जन भैया को हरा दिया है और ललिता जी के लिए विधानसभा के दरवाजे खोल दिए हैं। ये चर्चाओं के दौर इसी तरह चलते रहेंगे और हम छोटी बड़ी बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके लिए आपको बस करना इतना है कि दखल न्यूज़ का जो चैनल है दखल न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी खबरें अच्छी लगें तो उन्हें शेयर करें और देखते रहें दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।